साथ के साथ ही सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है, उस क्रम में भी एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर जिला पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश के सभी नागरिक और विशेष रूप से हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो मैजिक चालक हैं, जो बस चालक हैं, इन दोनों के विषयों पर जागरूक होना है, दोनों विषयों पर उनको आग्रह करना था, इसलिए सब लोगों को बुलाया जा रहा था। बहुत ही गरिमामय ये कार्यक्रम रहा, इसमें सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लोगों में आम जन में एक जागरूकता है इसके लिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह भी शुरू हो रहा है और मेरे लिए देवास की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हैं, क्या इसके जरिए आप कुछ ऐसी पहल होगी जिससे ये भी सुधरे वो लोगों में? ये एक जागरूकता अभियान है, इसमें एक माह की अवधि के दौरान हम लोग सड़क सुरक्षा के जितने नियम हैं, कानून हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, ट्रैफिक नियम क्या हैं उनके बारे में बताते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आम जनता में ये विश्वास पैदा हो कि सड़क सुरक्षा के नियमों का किस तरह से पालन किया जाना है, किस तरह से उनका निर्वहन किया जाए। दूसरा नारी सम्मान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, उसको हमने देवास में बड़े पैमाने पे चालू किया हुआ है, हस्ताक्षर चल रहे हैं, उसी को हमने इस मंच से और ज्यादा आवाज उठाई है। आपने ये देखो ये ऑटो ड्राइवर वाहन चलाते हुए सभी ड्राइवर को रिपोर्टिंग लाइन से रखा चला। बहुत हद तक लोगों को जागरूक करने के लिए है, पुरुषों को जागरूक करने के लिए है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, बेटियों का सम्मान किया जाए, बेटियों को बढ़ावा दिया जाए, उनकी शिक्षा दी जाए, केवल उनको परिपक्व करके शादी करना ही रास्ता नहीं है, उनको तैयार करना होगा आगे इनकी जिंदगी के लिए, पढ़ाना है, लिखाना है और बच्चियों को भी अधिकार देना है उनकी आगे की जिंदगी तय करने के लिए। जब बच्ची शादी करना चाहती है शादी करे, अगर कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहती है तो बने और फिर शादी करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 18 साल की उम्र में शादी करके और माता पिता गंगा ना जाए। विधायक जी, आपने अपने बारे में भी उद्बोधन में कहा कि एक नारी शक्ति के साथ साथ आपने किस तरह संघर्ष करते हुए राजनीति में आए, किस तरह अन्य महिलाओं को शक्ति देते हुए आप कहेंगे आगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकती हूँ तो क्यों नहीं दूसरी बच्चियाँ भी, दूसरी महिलाएं भी इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काम करें और उनके परिवार जन उनको प्रोत्साहित करें कि अलग क्षेत्र में उनकी रुचि के रूप में उनके अनुसार उन बच्चियों को अलग अलग क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाए।